हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? चलिए ठीक है। आज आपको मैं गोभी की सब्जी बनाना बता रही हूँ। आप घर में इजी बना सकते हो। उसके लिए आप देखिए, 4-5 कली का छोटे छोटे काट लीजिए। यहाँ पे लाल मिर्ची से मैं तड़का लगाती हूँ, और ये हरी मिर्ची, मैं हमारे यहाँ बहुत मिर्ची खाते हैं, बट आप अपने अनुसार मिर्ची लीजिएगा। ये एक छोटा सा प्याज लिए हैं जिसको काट लिए हैं, और ये हमने गोभी और आलू है जो छोटे छोटे का इतने पीस काट लिए हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे हमने काट लिए हैं। अब तेल गरम हो जाएगा तो इसको फ्राई करेंगे। आप भी गोभी की सब्जी, मतलब सभी बच्चों को अच्छी लगती है, बड़ों को अच्छी लगती है, तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें कुछ भी हम सामान वैसे यूज नहीं करते, हल्दी मसाले के अलावा नॉर्मल सब्जी बनाते हैं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इस सब्जी को। आप सबको पसंद जरूर आएगी, एक बार ट्राई करिएगा मेरी सब्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेल जैसे गर्म हो गया है, तेल हमने सिर्फ 2 चम्मच लिए हैं बड़े वाले में। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। ये देखिए, हमने जीरा डाल दिया है। इसमें हम लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च डाल दिए। लाल मिर्च का तड़का बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करिएगा एक बार। मैं अधिकतर सभी सब्जियों में लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है लाल मिर्च का तड़का, तो लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हमने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। ये देखिए, लहसुन डाल दिया। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, हरी मिर्च डाल दिए हैं। लहसुन हमारी लाल लाल हो गई है, तो हम प्याज डाल देंगे इसमें। एक अब इसको जब तक पकाएंगे, जब तक प्याज रेड नहीं हो जाती है। ये देखिए, हमारी प्याज हल्की हल्की रेड होने लगी है। आप नए हो तो ऐसे बनाइएगा सब्जी। अगर आपको सब्जी बनाना नहीं आती है, घर में ज़्यादा सामान नहीं है, तो आप ऐसे सिंपल नॉर्मल सब्जी बना सकते हैं। ये डाल दिया। अब इसमें हम आलू और गोभी में साथ में डाल रहे हैं, क्योंकि गोभी थोड़ी टाइम लेता है पकने में और आलू जल्दी पक जाता है, इसे हमने साथ में डाल दिया है। और इसको तेज़ आंच में आप पकाइएगा कि एक एक कली अच्छे से रहे। इसको तेज़ आंच में ऐसे पकाइएगा। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसके लिए, और इसको तेज आंच में ही पकाइएगा। तेज आंच में पकाएंगे तो एक एक जो कली है ना, वो अच्छे से खिली रहेगी। इसको ऐसे तेज आंच में पका लेंगे। देखिए तेज आंच में पका रहे हैं, तो देखिए कैसे सुनहरे कलर के होते जा रहे हैं। और आप ऐसे पकाएंगे ना, तो आपकी गोभी नहीं गलेगी या आलू आपके नहीं टूटेंगे। अब इसको हम ढक देंगे, 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। इसको हम देखिए ढक के हटा दिए हैं। अब इसको हम फिर से चला रहे हैं। ये देखिए, हल्का हल्का सुनहरे कलर का होता जा रहा है। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा।
अब हम इसमें मसाला डालेंगे। एक चम्मच मैं हल्दी मसाला डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम फिर से ढक के रख देंगे। ये देखें, इसको हमने फिर 5 मिनट के लिए ढक दिया है। सब्ज़ी को चलिए उठाते हैं, देखते हैं। ये देखें, हमारी सब्ज़ी सुनहरी कलर की हो गई है। ये देखिए, कितनी प्यारी सब्ज़ी हो गई है। अब इसमें हम मटर डाल देंगे। अगर मटर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप बिना मटर की सब्ज़ी बना सकते हैं। इसमें मटर के विंटर में मटर के सीज़न चल रहे हैं तो हरी हरा डल जाता, कितना अच्छा लगता है, सभी को पसंद भी आएगा। तो अपन इसको डाल दिए हैं। अब इसको 2 मिनट के ऐसे ढक देंगे। अब इसको हम हटा लेंगे। देखिए कितनी प्यारी सुनहरे कलर की सब्ज़ी हो गई है। आप इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा, लग जाएगा। अब इसमें मैं टमाटर को कद्दूकस करके रखी हूँ। ये देखिए, टमाटर को कद्दूकस करके डाल रखी हूँ। इसको ऐसे करके डाल देंगे और मिला देंगे। ये देखिए, टमाटर को चाहे तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, खड़ा करके भी डाल सकते हैं कटिंग करके। और मैं कद्दूकस करके डाली हूँ, इससे थोड़ी सी टेस्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए, पूरा मार्केट की तरह आपको बनेगा ढाबा स्टाइल में। ये देखिए, अब इसको हम 3 मिनट तक पकाएंगे ऐसे। तेज फ्लेम कर देंगे थोड़े से गैस का। इसको ढक देंगे 3 मिनट के लिए फिर से हम। चलिए इसको हटा लेते हैं, देखते हैं थोड़ी कैसी होगी सब्ज़ी। वाओ, ये देखिए सब्ज़ी कितनी प्यारी हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी सब्ज़ी हो गई, फ्राई हो गई है। ये देखिए एक एक फ्रेट। तो प्लीज़ आपको मेरी सब्ज़ी बनाने की विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए, सब्सक्राइब करिए, बताइए कैसी है। प्लीज़ एक बार आप भी ट्राई करिए सब्ज़ी कैसे बनी है। चलिए मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है। अब इसको आराम से निकाल लेते हैं और इसको ना धनिया पत्ती से अच्छे से रश कर देते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे बनाइए गोभी की सब्ज़ी, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। फैमिली वाले में जो नई लड़कियां हैं उनको नॉर्मली घर के खानों से बनाना हो तो आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मत डालिए, आप सिर्फ इतना करके बनाइए। ये देखिए एक एक सब्ज़ी कितनी खिली आई हुई है। तो प्लीज़ आप ऐसे बनाइए। चलिए आज इतना ही। कैसी लगी सब्ज़ी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।